आइए इधर से, आइए इधर से, तुम्हारा हाथ आ रहा है। आयरा जी, मैं मित्रा जी। अरे ऊपर भाई, पीछे आ जाओ ना, पीछे। कैसे हो आप? बस बढ़िया, आप कैसे हो? ठीक हूँ, थोड़ी टायर्ड हूँ, थोड़ी बिजी हूँ, पर आराम कर रही हूँ, बस यही चल रहा है। ए भाई, ए भाई, अभी हमारा हुआ नहीं, तब तक तुम फोटो लेने बस हो गया भाई, हट जा। चलो चलो दादा, हाय हो गया, बस करो। कैसी थी जर्नी नायरा जी? व्हाट्स अप, 15 जुलाई के लिए रेडी सब लोग? हां रेडी। क्या क्या एक्सपेक्टेशंस है बताओ, क्या लग रहा है? कैसी थी जर्नी आप? हां जर्नी कैसी थी आपकी? जर्नी तो मेरी बहुत क्रेजी थी भाई, इस बार सच में डर नेक्स्ट लेवल ही था। इतनी हवा, बहुत बहुत बहुत, बट बहुत मजा आया। इट्स अ ब्यूटीफुल, इट्स लाइफ, गुड फन, यू शुड वॉच। इसके साथ आपकी अच्छी बॉन्डिंग थी? मेरी तो सबके साथ ही बहुत अच्छी थी, बट मोस्टली ऐश्वर्या अर्चना और शिवर, गुड बॉन्डिंग, गुड फ्रेंडशिप। एंड रोहित सर तो एकदम पूरे लाइन किंग ही है। कितनी बार इंजरी हुई? एक इंजरी हुई थी और वो इतनी खतरनाक इंजरी हुई थी कि उसको 2 महीने लग गए ठीक होने में। सो इट वॉज क्वाइट अ बैड वन। आप सबको पता नहीं कि पता है कि नहीं, बट मेरे घुटने छिल गए थे, ये पूरा कट गया था यहाँ पर। बट उस हालत में भी हमने किए सारे स्टंट्स, उन्होंने पेन किलर खा खा के, क्योंकि घुटने पे लगा है, आप जितने बार चलोगे वो हील होगा ही नहीं, स्किन फटता ही रहता। बट फिर भी लगे रहे क्योंकि करना था, ये एक टाइम ही एक्सपीरियंस मिलता है, मज़े किए थे। टॉप 3 में अजय तो नाम आ गया, डेनो जेम्स, एक्टोरिया। डेनो जेम्स तो 100% है, वो तो डे वन से ही इतना कमाल था ना, सब पता ही है, मुझे लगता है कि हो सकता है वो विनर हो सकता है, बट बाकी कुछ नहीं कह सकते हैं, यू नो एवरीबडी वाज सो स्ट्रांग, कुछ भी नहीं कह सकते। ओके, आप लोग बताओ, आप लोग कैसे हो, कैसा रहा है? बढ़िया, नाइस। कौन टास्क के बारे में बताइए ना मैम, कौन सा टास्क आपको सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट लगा हो? एक तो पानी के अंदर सांस रोकना बहुत डिफिकल्ट होता है, ऊपर से ठंडे पानी में बॉडी को पूरा शॉक लगता है, यू कांट होल्ड योर ब्रेथ, तो अक्लमाटाइज होने में ही बहुत टाइम लग जाता है, एंड ठंडे पानी में इट्स वेरी डिफिकल्ट। बट फिर भी मैंने काफ़ी सारे वाटर स्टंट्स किए उसके बाद, एकदम चिल्ड आइस वाटर में, एंड बहुत मज़ा आया, बस वन ऑफ द टाइम। हाइट स्टंट्स तो और फन स्टंट, आई थिंक सबको ही बहुत डिफिकल्ट। मैम बिग बॉस फॉलो कर रहे हो? अरे सर एक भाई, नायरा व्हाट्स मोर अपकमिंग? सो देयर आर सम टीवी ऑफर्स व्हिच वाज ऑलरेडी देयर व्हेन आई वाज देयर, एक वेब का भी है, मैं अभी 16-17 एक वेब सीरीज शूट करने जा रही हूँ देहरादून में, वो एक है, एंड देयर इज अ मूवी ऑफर आल्सो, बट लेट्स सी। अभी तक मुझे डिसाइड करना है कि अगर मैं टीवी करूँ तो फिल्म नहीं कर पाऊँ, शुड आई वेट और शुड आई नॉट वेट, ऑल दीज थिंग्स आर देयर टू बी कंसिडरेशन, देखते हैं। ओके चलो जी, सी यू गाइस, आ जाओ, बाय बाय। नायरा नायक एक जा, जा आज मैम आसमान ऊपर नीला है, नीचे आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। थैंक यू सो मच मैम। यहाँ पे देखिए मैम, यहाँ देखिए मैम, यहाँ देखिए, मस्त लग रहा है। नहीं बस पीछे पीछे चलेंगे, आओ आगे से मैम, थोड़ा पीछे ही ना, एक वॉक कर लीजिए, एक वॉक कर लेते हैं भाई, रुको रुको, आ जाओ आ जाओ। ओके हेलो, बस बस बस, कैसे हो दादा? आप साइड हो जाओ दादा, क्लास आप बताओ, आप कैसे हो दादा? फ्रेम में हो, थैंक यू सो मच। क्या चल रहा है भाई? ऑल गुड, आपका बट आप मैं ऊपर, आप बताइए क्या चल रहा है आजकल? आप बताइए, खिलाड़ी के बाद खतरों की घड़ी के बाद ये गर्मी का स्टंट चल रहा है, वहां पे ठंडी का स्टंट चल रहा था, यहां पे गर्मी का स्टंट चल रहा है, पता मेरे को, बट मैं खूब खा रही हूं, बहुत खा रही हूँ, क्योंकि वहाँ पे स्टंट के पहले मैं जरूर ज़्यादा खा नहीं पाती था, मैं केले चुराती थी, केला खाती थी ताकि मेरे को मेरी भूख मिट जाए और मैं स्टंट पे ध्यान दे सकूँ फुल पावर। बट यहाँ पे पराठे, मक्खन, चीज़, घी सब ठूस रही हूँ, एंड जिम भी चालू करना है मुझे, मतलब मैं बहुत जल्दी मोटी हो जाऊँगी। रोहित सर ने पकड़ा था ना मैम केला के साथ में? हाँ सर को ऐसे पता चला कि पॉकेट में क्या है, ऐसे बाहर निकल के आ रहा है, तो मैं और रश्मि साथ में खड़े थे, एंड ही इज लाइक ये निकालो ये क्या है, तो रश्मित का देखा मेरा नहीं देखा, ओके, एंड फिर रश्मित ने बोला सर इसके पास भी है,
एंड हमारा पर्दाफाश हो गया कि हम लोग केले चुराते थे ताकि यू नो स्टंट के पहले खा के जा सके. सब लोगों ने हमारा बहुत मजाक उड़ाया, सब हंसे हमारे. तुम लोग केले स्मगल करते हो, शर्म नहीं आती तुम लोग को? खाने नहीं देते क्या तुम लोग को हम लोग? बट ही सो मच फन यार. आई मीन आई एम सो प्रिविलेज कि रोहित सर से मिलने का मौका मिला, उनके साथ काम करने का मौका. बहुत सही है. सबसे अच्छी बॉन्डिंग किसके साथ रही आपकी वहाँ पे? मेरी तो ऐश्वर्या और अर्चना मेरे बेस्ट फ्रेंड्स थे, एंड शिव और अर्जित के साथ भी मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी. तीनों भी तीनों थोड़ा चुपचाप टाइप का है, ज़्यादा बात नहीं करते, लेकिन जब बात करते हैं बहुत मज़े करते हैं. बट अरे भैया और ऐश्वर्या के साथ मेरी सबसे ज़्यादा बॉन्डिंग. ऐसा कौन सा स्टंट था जो आपको लेकर आप काफी डरी हुई लगी है? पानी, मैं पानी के स्टंट को देख के पूरी पानी पानी ही हो जाती थी यार. प्रॉब्लम पानी नहीं था, प्रॉब्लम था ठंडा पानी. ठंडे पानी में ना आप डिफिकल्ट हो जाता है बॉडी को रिएक्ट करना. बॉडी गोज थ्रू सो मच शॉक दैट आप अपना ब्रेथ होल्ड नहीं कर सकते हो, और ऐसा लगता है जैसे आप फ्रीज हो रहे हो. ये सारी चीज़ें आप ठंडे पानी में यूज टू नहीं हो, इसलिए होता है. एक बार एक्लेमेटाइज करना सीख जाओ तब तो यू कैन डू एनी थिंग. जैसे गर्म पानी में हम कैसे कंफर्टेबल हो जाते हैं पॉइंट के बाद, वैसे ठंडे पानी में भी होते हैं, और इस चीज़ का एक्सपीरियंस मेरे को नहीं था. एंड कॉन्फिडेंस कैसा रहा आपका इस इतने स्पेंड करने के बाद? मैं ना गई थी फुल कॉन्फिडेंस में, ठीक है, फुल प्रिपेयर करके गई थी. लेकिन मेरा पहला स्टंट जो था, मेरे को जो पोजिशन था, आप लोगों ने प्रोमो देखा होगा चॉपर में, वो इतना बड़ा बॉल है, बॉल से सब लोग नीचे गिर रहे हैं. मेरा लिटरली उस बॉल के नीचे पे मेरा पोजिशन था ऐसे. तो पहला स्टंट मेरा अच्छा नहीं था क्योंकि मैं खड़ी नहीं हो पा रही थी, अगेंस्ट द ग्रेविटी था, मैं गिर गई तो मैं बहुत डिमोरलाइज हो गई. लेकिन उसके बाद धीरे धीरे मैंने पिकअप करना शुरू किया, एंड आई एम टिल द एंड दैट यू ऑल नो. सो इट वाज गुड फन, गुड एक्सपीरियंस. ओके, थैंक यू. थैंक यू गाइस, थैंक यू. चलो चलो चल वीडियो मैम, थोड़ा और थोड़ा अभी आ जाइए आप. आ जाइए मैम, एक्शन. थैंक यू सो मच. एक फोटो मैं आप लोगों के साथ ही लेती हूं. हां ले लीजिए. नहीं नहीं लीजिए मैम, लीजिए. हाउ स्वीट. पर दिखने चाहिए मैम, ऐसा लीजिए. अरे रुक जाओ, कोई ले रहा है. अरे क्या कर रहा है, जरा देख आगे पीछे. हेलो अदनान, जाओ चलो यहाँ देख. हाँ यहाँ देख, सेंटर में यहाँ देख. अरे यहाँ देख यार, मेरे फोन से ले ला भाई, मेरे फोन से ले ला. अरे मैं कैमरा में ले रहा हूँ, टेंशन मत ले, इधर देख. मेरे फोन से ले. चलो हटो, हो गया. कोई और कोई इनका भी लेना. चलो चलो चलो, हो गया. कितना 5 मिनट का बाइट हुआ. हां ना, वापस हो गया. हो गया नारा जी, यहां पे देखिए. रुको, अरे हां अरे भाई हट जा, लेने दो यार फोटो. हो गया ना, हो गया. ओए अभी इधर नारा जी यहां पे देखिए. नारा जी, नारा जी इधर देखो ना. अपने मेरे नाम का तो पूरा बहुत देर लेना भाई क्या हटा रहे हो? अरे दूसरी बार ले रहे हैं भाई. हाँ चलो पीछे आ राजा भाई. अरे जाओ काम कीजिए मैम, खतरे खिलाड़ी के बारे में तो बोल ही दिया, आज अपने लुक के बारे में कुछ बोल दीजिए. मेरा लुक देखो, समर चल रहा है अच्छा खासा. वैसे तो रेनी चल रहा है, बट मेरे लिए समर ही चल रहा है. एंड बहुत हल्के फुल्के कलर्स पहने मैंने, शॉर्ट्स एंड क्रॉप टॉप, एंड मेरा फेवरेट बैग भी है कलरफुल. मैं थोड़ी कलरफुल इंसान हूँ, मुझे बहुत कलरफुल कपड़े पहनना पसंद है. सो या दैट्स माय लुक टुडे. हो गया चलो, बस वेट वेट. हाँ चल रहा है. नहीं कुछ बताइए खट्टों के खिलाड़ी के बारे में. मैं भी आया हूँ. अरे अभी तो तू मत छापना, बोलिए मैं तेरा हो गया भूल जाएगा. खतरा
हमारा इस साल का हमारा जो थीम है हर लेवल डर नेक्स्ट लेवल है। कसम से मैं एक चीज बोलना चाहूंगा आप सब लोगों को कि इस बार 80% नए स्टंट थे और अगर कोई रिपीट स्टंट हुआ है तो उसको मॉडिफाई करके बहुत डिफिकल्ट बनाया गया है। ऊपर से इस बार का वेदर सबसे ज्यादा ठंडा था एंड हवा तो बाप रे 50-60 किलोमीटर पर आर की इतनी हवा हम तो सच में पागल हो गए। हम सोच रहे थे कि यार केप टाउन की सुंदरता एंजॉय करें या ठंड को बर्दाश्त करें, और स्टंट से ज्यादा तो ठंड वहाँ पे बहुत खराब स्टंट हो रहा था। हमारा ठंड झेलना इज अ वेरी बिग स्टंट हो गया। बट वॉट एन एक्सपीरियंस, लाइफ टाइम का एक्सपीरियंस है। मैं एक मिलिट्री ऑफिसर की बेटी हूँ एंड मुझे हमेशा से ये सब एडवेंचर करना था एंड मुझे ये मौका मिला, सो आई एम रियली थैंकफुल टू कलर्स। 15 जुलाई को एयर हो रहा है, आप सब लोगों को देखना है और अपने अपने रिव्यूज देंगे। लेकिन आपको ज़्यादा शॉपिंग करके कुछ नहीं, इधर छुट्टी नहीं मिली हम लोगों को। आपको ज़्यादा कौन सी चीज़ से डर लगा है जो स्टंट किया है? मुझे पानी का स्टंट से बहुत डर लगता है भाई, क्योंकि पानी का प्रॉब्लम नहीं है, पानी ठंडे पानी का प्रॉब्लम है। वो ठंडे पानी में जाना मतलब खतरनाक, सच में वो बर्दाश्त करना बहुत बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। सांस नहीं रोक पाते हो अंडर वाटर में, सो मैं बहुत पैनिक हो जाती थी एंड मैं थोड़ी सी फट्टू भी हो गई थी वहाँ पे। लेकिन कोई नहीं है, ऐसे स्टंट हम रोज़ थोड़ी करते हैं, बट हार के आगे जीत होती है एंड हियर आई एम। कौन आपका दोस्त बना करीबी वहाँ पे इतने दिन रह के? अरे भैया तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। ऐश्वर्या भी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, शिव, अर्जय, टीनो, रश्मीत, इन लोगों के साथ मेरी बहुत अच्छी बात है। रोहित सर से डांट मिली? नहीं डांट नहीं, बस एक बार मैं बहुत ये करी थी, एक हाइट स्टंट था और मैं उस हार्नेस को छोड़ने से मना कर रही थी क्योंकि मैं डर गई थी, और मुझे सर ने बहुत डांटा कि मतलब उन्होंने बोला कि अगर तू लड़का होता ना मैं तुझे बहुत डांटता। उन्होंने आउट ऑफ अफेक्शन, आउट ऑफ केयर ये चीज़ बोली कि यू नो सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरत होती है, सेफ्टी रूल्स फॉलो करना। तो मैंने एक बार ऐसा गड़बड़ किया था, उसमें मुझे डांटा था सर ने, लेकिन बहुत प्यार से, तो हमने ये मिस्टेक कभी नहीं किया। नारा जी आज शाहरुख सर का ट्रेलर आया है, कैसा लगा आपको? शाहरुख सर को बिना बाल वाले लुक में क्या लग रहे हैं, और जो डांस किया उन्होंने लास्ट में, लुक कैसा था शाहरुख खान का? बहुत सही था। आई थिंक पठान के बाद वो तो मतलब रूल किए जा रहे हैं, कुछ अलग अलग कॉन्सेप्ट ला रहे हैं, अलग अलग लुक के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ही इज ट्रूली किंग खान मैन, हैट्स ऑफ टू हिम। कितना एक्साइटेड है मूवी को लेकर? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मुझे देखना है इस बार ये नया अवतार जो है, नया लुक है एंड उनकी जो जर्नी है वो इतनी ज़्यादा चेंज हो चुकी है ना पठान के बाद से, रियली कमेंडेबल एट दिस एज। इतना डेडिकेशन, इतना डिफरेंस इन लुक, इन स्टोरी, एवरीथिंग, इट्स रियली कमेंडेबल। बहुत मजा आ रहा है एंड आई एम डाइंग टू वॉच द फिल्म। लास्ट में आपके कुछ प्रोजेक्ट बता दिए जो आएंगे? सो मैं एक वेब सीरीज का शूट करने जा रही हूँ 15 तारीख को एंड कुछ टीवी एंड मूवी के ऑफर्स है, तो मुझे वो सोचना है कि टाइमिंग कब ऑन फ्लोर हो रहा है, उस चीज़ के ऊपर से मुझे कॉल लेना पड़ेगा। बट एज ऑफ नाउ आई एम गोइंग फॉर दिस वेब सीरीज। एंड आप सब लोग का बेस्ट विशेस एंड आशीर्वाद। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। आ जाइए मैम, कॉफी आइए। मैम कॉफी पीने दीजिए। कॉफी पियो। अच्छा भाई इनका ले लो, बताओ। अच्छा बना फ्रेंड, और कुछ था? नहीं पहले कुछ था भाई। फोटो चाहिए मेरे को? नहीं नहीं मेरे को चाहिए। अरे मेरे को तुम चाहिए, जा जाओ बस। तो थैंक यू सदा भाई, तुम्हें सदा भाई चाहिए? नहीं रे सदा भाई किसका ना, इसे जाने देना। नहीं नहीं क्या